डी ग्रुप का रिजल्ट आ गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको डी ग्रुप का रिजल्ट देखना बताऊंगा। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना, साथ में आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं नॉट क्वालिफाइड। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है गूगल का, और यहाँ पे टाइप करना है एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट इन्फो। इतना सर्च करते ही आपको सबसे पहले जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इतना सर्च करते ही आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देख लीजिए एसएससी सीईटी डी ग्रुप 2024 रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। सर्च करते ही एग्ज़ाम सरकारी रिजल्ट अपडेट, और उसे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए चेक रिजल्ट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और ये जो इंटरफेस है एसएससी का आगे है डी ग्रुप 2023 में जो पेपर दिए थे। और यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन नंबर, जो आपके 6 अंकों के नंबर होते हैं, और डेट ऑफ बर्थ, और नीचे दिया गया है कैप्चर कोड, ये सब यहाँ पे डालना है। मैंने जो है एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आया है, ये देख लीजिए। यहाँ पे कब आपने जो पेपर दिया था वो, और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। आपको पास होने के लिए कम मैक्सिमम आपको 95 नंबर चाहिए 100 में से। यहाँ पे नीचे रिजल्ट देख सकते हो नॉट क्वालिफाइड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके आप अपनी जो पीडीएफ है वो सेव कर सकते हो, थैंक यू।